दोस्तों, JDBC वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू गेट प्राइमरी की वैल्यू, दैट इज ऑटो जनरेटेड की, राइट फ्रॉम इंसर्टेड क्वेरीज यूजिंग JDBC। जैसे ही JDBC से कुछ इंसर्ट क्वेरी आप फायर करते हो, द डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होता है और समटाइम्स व्हाट हैपेंस, प्राइमरी की वी मेक एज ए ऑटो जनरेटेड की एंड दैट ऑटो जनरेटेड की आई वुड लाइक टू रिट्राइव आफ्टर इंसर्शन, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड। मैं टेबल दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा टेबल है, राइट? इसमें तीन रिकॉर्ड है करेंटली। लेट्स से आई वुड लाइक टू इंसर्ट वन रिकॉर्ड, राइट? और इंसर्ट करने के बाद जो प्राइमरी की जनरेट होगा वो दैट आई वांट टू गेट बैक इन द JDBC कोड, राइट? तो वो कैसे करेंगे, राइट? तो दैट इज़ प्रीटी सिंपल, राइट? ऑलरेडी हमने बेसिकली स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट से कैसे इंसर्ट ऑपरेशन करना है वो सीख लिया है, राइट? तो ये कोड स्निपेट प्रीटी मच क्लियर होगा, राइट? आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं गाइज। जब हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सीख रहे थे तो वहाँ मैंने एक बताया था कि यहाँ पे एक कनेक्शन इंटरफेस में प्रिपेयर स्टेटमेंट एक ओवरलोडेड मेथड है जहाँ सेकेंड पैरामीटर लेता है समथिंग इज कॉल्ड, देयर यू हैव टू पास स्टेटमेंट डॉट समथिंग इज कॉल्ड रिटर्न जनरेटेड कीज, राइट? तो आपको यूज करना होगा ये ओवरलोडेड मेथड, ऑटो जनरेटेड कीज वाली, राइट? सबसे पहले आपको SQL क्वेरी पास करना है, इंसर्ट क्वेरी, एंड देन यू हैव टू पास दिस कॉन्स्टेंट रिटर्न जनरेटेड कीज, राइट? एंड हियर यू कैन सी आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट दिस कॉलम वैल्यूज, बट हियर आई हैवंट स्पेसिफाइड वैल्यू फॉर एम्प्लॉय ID, राइट? एम्प्लॉय ID क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड है, राइट? DDL क्वेरी, राइट? नाउ वंस यू इंसर्ट, आप क्या करना है, सारे कॉलम का वैल्यू हमने सेट करा है, उसका स्टेटमेंट डॉट एक्सक्यूट अपडेट, ये क्या करेगा, ये डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर देगा, राइट? अब इंसर्शन, इस इंसर्शन की वजह से जो ऑटो जनरेटेड प्राइमरी की हुआ उसको मुझे रिट्राइव करना है, राइट? तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू स्टेटमेंट डॉट गेट जनरेटेड कीज, इस मेथड को आपको कॉल करना है एंड दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू द रिजल्ट सेट, राइट? रिजल्ट सेट को यहाँ चूंकि एक ही मैंने डेटा इंसर्ट किया, एक ही रो इंसर्ट किया है, तो ऑलमोस्ट हमें एक ही ऑटो जनरेटेड प्राइमरी की रिटर्न होगा, राइट? सो हियर जस्ट यू नीड टू स्पेसिफाई इफ स्टेटमेंट RS.next, राइट? नेक्स्ट मेथड कॉल करना है एंड हियर ऑफ कोर्स हियर यू कैन गिव द ऑटो जनरेटेड की। सो आई वुड से एम्प्लॉय, हियर आई एम गोइंग टू जस्ट प्रिंट द स्टेटमेंट एम्प्लॉय इज क्रिएटेड विथ ID इक्वल्स टू, ये ID कहाँ, आपको रिजल्ट सेट से रिटाइप करना, रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट करना है, राइट? और कॉलम इंडेक्स पास करना है, राइट? तो कॉलम इंडेक्स जो पहला कॉलम हुआ इसके लिए इंडेक्स 1 होगा, इसके लिए 2 होगा, समथिंग लाइक दैट, 1 पास करना है, प्राइमरी की हमने रिट्राइव करना है, दैट्स इट, यू आर डन। अब इसे रन करके देखना है कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड आ रहा है कि नहीं, राइट? सो हियर यू कैन सी इट इज सेइंग एम्प्लॉयज क्रिएटेड विथ ID 4। अब डेटाबेस में जाकर हमें वेरीफाई करना है, लेट्स वेरीफाई इन द डेटाबेस एंड हियर यू गो, एम्प्लॉयज क्रिएटेड विद द एम्प्लॉय ID 4। तो इस तरह से आप ऑटो जनरेटेड प्राइमरी की है उसका वैल्यू JDBC में रिट्राइव कर सकते हो। इट इज प्रीटी सिंपल, राइट? स्टिल कोई डाउट है तो लेट मी नो, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।